हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग शंकर आईएएस बुक की मदद से आपके साथ एनवायरनमेंट का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं। इसी के तहत हमने चैप्टर 9 के डिस्कशन की शुरुआत आपके साथ अपने पुराने वीडियो में की थी और उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। हम अपने आज के वीडियो में उसके बचे हुए एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और उससे संबंधित सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश मेरी रहेगी दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल चलता है। अगर आपने ये अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें। पहले तो ये फ्री है और इस पे दूसरी बात, हम सभी अपडेट्स आपको तुरंत प्रभाव पे दे देते हैं। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। हमारे पुराने वीडियो में हमने आपके साथ क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर आने वाले मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिशेस के बारे में डिस्कस किया। हमने ये समझा कि क्या क्या हैबिटेट्स होती हैं हर एक जीव की। उसके बाद हमने ये समझा क्या क्या थ्रेट्स हैं उनको, और अगर किसी की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है तो किस वजह से वो डिक्लाइन आ रहा है। अब आज के वीडियो में हम लोग एंडेंजर्ड और उसके बाद के क्लासिफिकेशंस पे नज़र डालेंगे। इसके तहत आने वाले मैमल्स, फिशेज, रेप्टाइल्स पे हम लोग अपने पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों मैमल्स के साथ। मैमल में पहला है वाइल्ड एस या फिर खुर। अब ये जो पर्टिकुलर जीव है, ये एक समय ऐसा था कि ये वेस्टर्न इंडिया से लेकर साउथ ईस्टर्न ईरान तक हमको मिलता था। यानी अगर हम लोग मैप पे बात करें तो आप समझ लीजिए इस पूरे एरिया में आपको ये पर्टिकुलर मैमल देखने को मिलता था। लेकिन फिर एक बीमारी 1958 से 1960 के बीच में इस पूरी प्रजाति के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनी। उस जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, उसका नाम था यहाँ पर सुर्रा डिजीज़, जो कि मक्खियों द्वारा वहाँ पे फैलाई जाती थी। तो इस बीमारी के चलते क्या हुआ, पूरी प्रजाति की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आना शुरू हो गई और फिर ये धीरे धीरे आ गया एंडेंजर्ड कैटेगरी में। अब अगर आज की बात करें तो आज के समय में सिर्फ एकमात्र इसका जो हैबिटेट है जहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रजाति पाई जाएगी वो है लिटिल रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे इंडियन वाइल्ड एज सेंचुरी हमको देखने को मिलती है, जो कि इसका लास्ट रिफ्यूज पूरे विश्व में बचा हुआ है। फिर जो अगला मैमल है वो है धोले, या फिर उसको कहते हैं हम एशियाटिक वाइल्ड डॉग, या फिर उसको इंडियन वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है। ये बेसिकली कहाँ कहाँ मिलता है, ये सेंट्रल साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये जो मैमल है ये जनरली बहुत सोशल मैमल है और ये हमको जनरली ग्रुप में ही दिखाई देता है। इस ग्रुप में हमको मल्टीपल ब्रीडिंग फीमेल्स भी देखने को मिलती हैं। तो ये हमारी दूसरी मैमल की प्रजाति जो कि एंडेंजर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। तीसरा है एल्स डियर या फिर थैमिन या फिर ब्रो एंटलर डियर। ये जो डियर है ये इंडिजिनस है साउथ ईस्ट एशिया में। और अगर भारत में बात करें तो मणिपुर के काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ये पर्टिकुलर प्रजाति हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो चौथा मैमल है वो है हिमालयन ब्राउन या फिर रेड बेयर। इंडिया के जो सबसे बड़े एनिमल्स हैं उसमें ये वाला एनिमल हम लोग कैटेगराइज करते हैं। ओमनीवोर्स होते हैं, यानी कि ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड दोनों के दोनों कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमको ज़रूर याद रखनी है कि जो हिमालयन ब्राउन बेयर्स हैं ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये वाला पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखें। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नेपाल, पाकिस्तान और नदर्न इंडिया में हमको जनरली ये देखने को मिलता है। यानी अगर हम लोग मैप पर इसको ड्रॉ करें तो देखिए आप पूरे इस एरिया में आपको जनरली हिमालयन ब्राउन बेयर या फिर रेड बेयर देखने को मिलेगा। फिर चौथी प्रजाति अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंडेंजर्ड आती है गोल्डन लंगूर। इसके शरीर पे जो कलर है उसकी वजह से इसको गोल्डन कहा जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे चित्र में, ये जो प्रजाति है काफ़ी पौराणिक समय से मौजूद है, इसी वजह से ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। अब कहाँ हमको देखने को मिलता है, तो अगर आप भारत की बात करें तो आपको आसाम के पश्चिमी इलाके में कुछ कुछ जगहों पे ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा भूटान में ब्लैक माउंटेन्स नामक पहाड़ के फुटहिल्स पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। अगली जो प्रजाति है वो है हिमालयन वुल्फ की। हिमालयन वुल्फ, जैसे कि उसका नाम बता रहा है हिमालयन, तो ये हिमालयाज के एरिया में देखने को मिलेगा, और वो भी कहाँ के, तो यहाँ पर नदर्न इंडिया में आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में आप इस पर्टिकुलर प्रजाति को नोटिस कर सकते हैं। ये भी पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से एंडेंजर्ड क्लासिफिकेशन के तहत क्लासिफाई की गई है। जो अगली प्रजाति है वो है हिमालयन या फिर वाइट बेलीड मस्क डियर।
यहाँ पे भी नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये हाई ऑल्टीट्यूड्स में हिमालयाज में ही मिलती होगी। तो अगर इसके हैबिटेट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें तो कश्मीर में, कुमाऊं में, सिक्किम में ये जनरली हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो हमको याद रखना है अपने एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से कि भाई इस पर्टिकुलर मस्क डियर में आपको सींग देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे एंटलर्स नहीं होते। हालांकि इनके पास पेयर ऑफ कैनाइंस होते हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं। फिर इसके नाम के हिसाब से देखें मस्क डियर, तो देखिए ये जो मस्क डियर है तो वो नाम आता है मस्क से, जो कि एक सब्सटेंस है जो कि इस पर्टिकुलर डियर के ग्लैंड के यानी कि शरीर के अंदर से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो सब्सटेंस है ये जनरली खुशबूदार सब्सटेंस होता है और ये सिर्फ मेल मस्क डियर में ही मिलता है। और ये जो सब्सटेंस है ये एक थ्रेट है इस डियर के लिए। क्यों? क्योंकि इसको इसी की वजह से पोच किया जाता है, इसकी हंटिंग की जाती है। ये जो सब्सटेंस है जो हम बात कर रहे हैं इस डियर के शरीर के अंदर किसी ग्लैंड से मिलता है, वो जनरली परफ्यूम में इस्तेमाल होता है, अगरबत्तियों में, या फिर इस तरीके के महकने वाले किसी मटेरियल में आपको मिलेगा। इसका इस्तेमाल मेडिसिंस में भी किया जाता है और इसी के तहत इस डियर की काफ़ी हद तक पोचिंग की जाती है। फिर जो अगला मैमल है वो है हिस्पिड हेयर या फिर आसाम रैबिट। नाम से हमको समझ में आ रहा है कि ये आसाम में एक तो मिलता है और साथ साथ ये सेंट्रल हिमालयाज में भी आपको मिलेगा। हालांकि जो इसके हैबिटेट हैं या फिर ये सब जो है काफ़ी फ्रेगमेंटेड है, यानी कि अगर आपको कुछ यहाँ पे मिल रहे हैं तो कुछ इसकी थोड़ी दूरी पे मिलेंगे, कुछ कहीं और दूरी पे मिलेंगे, तो एक कंटिन्यूस हैबिटेट नहीं है इसका। और ये जो समस्या है ये आए दिन बढ़ती ही चली जा रही है क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर बढ़ा रहे हैं, जो भी हैबिटेट्स हैं, जो पेड़ हैं उनको काट के हर जगह एग्रीकल्चर फैला रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लगातार कैरी आउट हो रही हैं, जिसकी वजह से इसका हैबिटेट ख़त्म होता चला जा रहा है। फिर जो अगली प्रजाति है यहाँ पे वो है हॉग डियर की। ये जनरली हमको नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। इसका नाम हॉग डियर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो प्रजाति है ये जब भागती है तो ये अपना सर इस तरीके से झुका के भागती है। तो ये सर झुका के भागेगी तो कहते हैं कि ये हॉग जिस तरीके से अपना सर झुका के भागता है उसी तरीके से ये हॉग डियर भी अपना सर झुका के भागता है। और अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो वो ये उसके नीचे से निकल जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे तो बाकी डियर की जो प्रजाति है, जो हिरण की प्रजाति है, वो सभी ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से इस तरीके से कूद कूद के जाती है, लेकिन ये उसके नीचे से झुक के जाता है, इस वजह से इसको कहा जाता है हॉग डियर। हालांकि इसकी पॉपुलेशन में भी लगातार डिक्लाइन आ रहा है, जिस वजह से ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में अब क्लासीफाई होने लगा। फिर जो अगली प्रजाति है एंडेंजर्ड हमारे क्लासिफिकेशन के तहत वो है लायन टेल्ड मकेक की। ये जनरली हमको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है और वहीं पे ये एंडेमिक है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे आपको ये प्रजाति देखने को मिलेगी। और ये अगर हम स्टेट्स की बात करें तो KKT में देखने को मिलेगी, यानी कि केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो अगर हम इसको मैप पे देखें तो ये इस एरिया में आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा, यानी कि K और T। तो ये सिर्फ और सिर्फ आज इन्हीं तीनों स्टेट्स में मौजूद है। और इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे एक एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है जिसको हम शोला फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से। और इसी शोला फॉरेस्ट में आपको ये पर्टिकुलर प्रजाति देखने को मिलेगी। ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके की ह्यूमन प्रेजेंस को अवॉइड करना और इसी वजह से प्लांटेशन जहाँ जहाँ कैरी आउट होता है उन एरिया से ये दूर ही रहते हैं। देखने को कहाँ मिलेंगे? शोला फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि वेस्टर्न घाट्स का एक यूनिक फीचर है। इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी जिसकी वजह से हमने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस इन पे अपनाई और दो ऐसे जू हैं जहाँ पे हमने कैप्टिव ब्रीडिंग इनकी कैरी आउट की, जिसमें से एक है अरिनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो कि चेन्नई में है और एक है मैसूर जू। उसके तहत कुछ हद तक इनकी पॉपुलेशन में वापस बढ़ोतरी आ सकी। फिर जो अगला मैमल है एंडेंजर्ड कैटेगरी में वो है मारखोर। ये जो मारखोर है ये भी एक स्पेशल फीचर दिखाता है जो कि है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। हमने ये पहले ब्राउन बेयर में भी देखा था। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर ये जो मारखोर है ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है और जनरली हमको सेंट्रल एशिया के माउंटेन्स में ये देखने को मिलता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो पाकिस्तान से लगा हुआ कौन सा इलाका है और माउंटेन्स भी हो जहाँ पे, तो आपको मालूम है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो पर्टिकुलर प्रजाति है आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। इसके साथ सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि ये हंटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा
डिक्लाइन हो रहा है और हंटिंग की जाती है एक तो इसके मीट की वजह से और इसके ट्विस्टेड हॉर्न्स की वजह से। आप ये देख लीजिए यहाँ पे जो इसके सींग हैं वो इस तरीके से ट्विस्टेड हैं, तो इन सींगों की वजह से इस पर्टिकुलर प्रजाति की मृत्यु की जाती है, जिसके तहत इसका जो स्टेटस है वो नीचे आके एंडेंजर्ड में आ चुका है। फिर जो अगली प्रजाति है वो है नीलगिरी लंगूर या फिर नीलगिरी लीफ मंकी। जैसे कि नाम से हमको पता पड़ रहा है कि नीलगिरी वाले इलाके में ये पर्टिकुलर लंगूर मिलता है। तो स्टेट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में तमिलनाडु और केरला दोनों ही स्टेट में ये पर्टिकुलर प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। ये कौन से फॉरेस्ट को प्रेफर करते हैं? तो उसका आंसर है कि ये वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और राइपेरियन फॉरेस्ट को प्रेफर करते हैं। फिर हम देखते हैं अगली प्रजाति को जो है नीलगिरी थार। जो नीलगिरी थार है ये बेसिकली तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। जनरली ये जो थार है इसकी टोटल 3 स्पीशी हमको देखने को मिलती हैं और उन 3 स्पीशीज में जो सबसे लार्जेस्ट स्पीशी है वो है नीलगिरी थार की। और एक पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि जो शोला फॉरेस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे जहाँ पे लायन टेल्ड मकेक हमको देखने को मिलते हैं, वो फॉरेस्ट खास तौर पे नीलगिरी थार अवॉइड करते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट नीलगिरी थार की पॉपुलेशन अवॉइड करती है। फिर हम लोग चलते हैं अगली प्रजाति की तरफ जो कि है ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉरस। ये जनरली बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टॉल ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं और ऐसे फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे जो ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हैं। अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, पाबितोरा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क जो कि आसाम में है वहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर प्रजाति देखने को मिलेगी। फिर एशियाटिक वाइल्ड एस या फिर खुर के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं वल्नरेबल मैमल्स के ऊपर और वल्नरेबल मैमल्स में सबसे पहले आता है चीरू या फिर तिब्बतिन एंटीलोप। तो जैसा कि इसका नाम है तिब्बतिन एंटीलोप, तो ये हमको तिब्बत के इलाकों में देखने को मिलेगा। तो जो तिब्बतिन एंटीलोप है या फिर चीरू है ये तिब्बत के कोल्ड डेजर्ट्स में मिलता है और ये थ्रेटेंड है हंटिंग की वजह से। तो इस पर्टिकुलर प्रजाति की हंटिंग की क्यों जाती है? सबसे पहले तो इससे जो ऊन निकलती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और इस अच्छी क्वालिटी की ऊन से ही शहतूज स्कार्फ्स बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शहतूज जो स्कार्फ बनते हैं वो बेसिकली तिब्बतिन एंटीलोप या फिर चीरू से निकाली गई ऊन के बनते हैं। उसके अलावा ये मीट के लिए और इनके मैग्निफिसेंट जो हॉर्न हैं, जो इनके सींग हैं, उनके लिए भी ये पर्टिकुलर प्रजाति हंट की जाती है। फिर अगली प्रजाति है हिमालयन थार की। जैसे कि हमको नाम यहाँ पे दिख रहा है हिमालयन, तो ये हिमालयाज में रहते हैं। तो ये जब बेसिकली हमने थार की प्रजाति पढ़ी है, अभी उससे पहले हमने पढ़ी थी नीलगिरी थार, अब हम पढ़ रहे हैं हिमालयन थार। ये जो थार है ये गोट्स की तरह होते हैं, यानी कि बहुत सारे इनके कैरेक्टर्स होते हैं जो बकरियों से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ यूनिक फीचर्स जो बकरियों से इनके अलग होते हैं यानी गोट से अलग होते हैं वो है, सबसे पहले तो इनकी दाढ़ी नहीं होती, इनकी बियर्ड नहीं होती जो कि जनरली हमको गोट में देखने को मिलती है, और कुछ और भी ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो सिर्फ आपको थार में देखने को मिलेंगे। फिर अगली है ब्लैक बक जो कि ग्रासलैंड्स में रहते हैं और ये तीसरी प्रजाति है जो कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ब्राउन बेयर या फिर रेड बेयर जो कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाती है, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले हमने दूसरा पढ़ा मारखोर जो कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है और वो भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाता है, और ये ब्लैक बक तीसरी ऐसी प्रजाति है जो कि इस पर्टिकुलर फिनोमिना को एग्जिबिट करती है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें, एग्जाम में संभव है इस तरीके क्वेश्चन आए कि कौन कौन सी प्रजातियाँ इनमें से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाती हैं। 3 तो आपके सामने हैं, फिर और हम आगे अपने वीडियो में देखते हैं। फिर चौथी प्रजाति है गौर या फिर इंडियन बाइसन या फिर ये आप समझ लीजिए जंगली भैंसों का ही एक प्रकार है, और ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये नेटिव है साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। अगर इसी पर्टिकुलर प्रजाति को हम लोग डोमेस्टिकेट करें, हम लोग उनको पालें, तो फिर हम उसको कहते हैं या तो गायल या फिर मिथुन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी प्लीज़ ध्यान रखें। इसके अलावा जो अगला मैमल है वो 4 सींग वाला हिरण, जिसको हम लोग चौसिंगा भी बोलते हैं या फिर 4 हॉर्न एंटीलोप। ये जो प्रजाति है ये भी एंडेंजर्ड के अंदर है, माफ़ कीजिएगा, वल्नरेबल के अंदर है, और इसकी एक यूनिक फिनोमिना है कि इस पर्टिकुलर प्रजाति को कुछ कुछ समय के बाद पानी की ज़रूरत होती है, उसको पानी पीना पड़ता है तभी वो सर्वाइव कर पाती है। तो ये जो यूनिक फिनोमिना है ये आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर अगली प्रजाति है तकीन, जो कि हमको
हाँ हिमालयाज के आसपास मिलती है और वेस्टर्न चाइनीज एरिया में मिलेगी। फिर अगली है नीलगिरी मार्टिन, जो वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक प्रजाति है, सिर्फ वहीं पे वो पाई जाती है और ये उन एरियाज में पाई जाएगी जो ह्यूमन डिस्टरबेंस से बहुत दूर है कहीं। है जो मार्टिन है ये देखने में कुछ कुछ ऊद बिलाव जैसा आपको लगेगा और ये बेसिकली कार्निवोरस एनिमल है, यानी कि ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स पे रिलाई करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब ये जो पर्टिकुलर प्रजाति है ये एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो वल्नरेबल से एक्सटिंक्ट तक पूरे में क्लासिफाइड है और ये जनरली साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। अगर एंडेमिक की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में ये एंडेमिक है। फिर अगली प्रजाति है यहाँ पे रेड पांडा, जो कि हिमालयाज के टेम्परेट फॉरेस्ट में एंडेमिक है, यानी कि अगर हिमालयाज माने तो कुछ इस जगह पे ये देखने को मिलेगी, यानी कि थोड़े हायर एल्टीट्यूड्स पे। ओमनिवोरस है बेसिकली ये। ओमनिवोरस में अगर बात करें कि ये वेजिटेरियन क्या खाता है तो बैम्बू पे ये जनरली रिलाई करता है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसके अलावा कभी कभार ये नॉन वेज फूड पे भी रिलाई करता है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये कहाँ मिलता है, सिक्किम आसाम के एरियाज में मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में हमको ये देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैप पे हम लोग ड्रॉ करें तो अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा। फिर अगली प्रजाति है मार्बल्ड कैट की, भारत के उत्तरी इलाके यानी कि नदर्न इंडिया, नेपाल, कुछ इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग साउथ ईस्टर्न एशिया की बात करें तो बोर्नियो सुमात्रा तक ये वाली पर्टिकुलर प्रजाति आपको देखने को मिलती है। भारत में मेनली ये सिक्किम, दार्जिलिंग इन एरियाज़ में मौजूद है। और उसके अलावा अगर फॉरेस्ट बताएं तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ये सबसे ज़्यादा फेवर करती है। ये पर्टिकुलर प्रजाति जनरली हमको पेड़ों पे रहती हुई मिलती है, इसीलिए हम इसको आर्बोरियल भी कहते हैं। फिर अगली प्रजाति है दोस्तों बारासिंगा या फिर स्वैम्प डियर। ये नदर्न और सेंट्रल इंडिया में हमको देखने को मिलेगी और नेपाल में भी साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपको ये देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर हम लोग मैप पे इस चीज़ को ड्रॉ करें तो देखिए, तो ये हम इंडिया ड्रॉ करते हैं तो हमको एक तो सेंट्रल इंडिया, एक नदर्न इंडिया और नेपाल का साउथ वेस्टर्न हिस्सा, यानी कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर जो अगली प्रजाति है वो इंडियन वुल्फ्स यानी कि भेड़ियों की, ये जनरली साउथ ऑफ हिमालयाज हमको देखने को मिलते हैं। फिर है ओरिएंटल स्मॉल क्लॉड ऑटर या फिर एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर। बेसिकली ऑटर की 13 लिविंग स्पीशीज़ हैं जो कि सेमी एक्वेटिक मैमल्स हैं। देखिए यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, और ये जनरली फिश या फिर शेलफिश को कंज्यूम करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा ये बहुत अलग अलग इन्वर्टिब्रेट्स को, एम्फीबियंस को, बर्ड्स को और स्मॉल मैमल्स को भी कई बार कंज्यूम करते हैं। ये जो भी ऑटर स्पीशी पूरे विश्व में मौजूद हैं उनमें सबसे छोटी ऑटर की स्पीशी है। ये जनरली हमको मैंग्रोव के स्वैम्प्स में देखने को मिलेंगे या फिर फ्रेश वाटर के जो वेटलैंड है वहाँ पे हमको ऑटर देखने को मिल सकते हैं। फिर जो अगली स्पीशी है वो है क्लाउडेड लेपर्ड की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशी है, इसका हैबिटेट आप ध्यान रखें हिमालय के फुटहिल्स में यह मिलती है। और साउथ ईस्ट एशिया से अगर हम चाइना की ओर जाएंगे तो हमको इस स्पीशी के काफ़ी सारे हैबिटेट्स देखने को मिलेंगे। अगर भारत की बात करें तो वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में ये पर्टिकुलर स्पीशी देखने को मिलेगी। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के हमारे भारत के मोस्टली सभी स्टेट्स यहाँ पे कवर्ड हैं जहाँ पे हमको क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे अगला है एशियन ब्लैक बियर या फिर मून बेयर, जिसको हम लोग वाइट चेस्टेड बेयर के नाम से भी जानते हैं। ये जो बेयर की स्पीशीज़ हैं उनमें से ये मीडियम साइज स्पीशीज़ हैं, मतलब एक होती है बहुत बड़ी लार्ज, एक होती है मीडियम और एक छोटे जो भालू होते हैं ये बीच वाली स्पीशी है। और ज़्यादातर ये आर्बोरियल लाइफ जीती है, यानी कि ये पेड़ से अपने सर्वाइवल को रिलेट करती है। जनरली पेड़ पे रहते हुए आपको ये पर्टिकुलर प्रजाति मिल जाएगी। हैबिटेट की बात करें तो हिमालयाज में देखने को मिलती है, कोरिया में, चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में, रशिया में और जापान के कुछ आइलैंड जो कि हैं होनशू और शिकोकू आइलैंड्स, वहाँ पे हमको इस पर्टिकुलर ब्लैक बेयर की स्पीशी देखने को मिलेगी। अब आ गए हम लोग मरीन मैमल्स के ऊपर। तो मरीन मैमल की चर्चा करते हुए सबसे पहले हम लोग डॉल्फिन्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए डॉल्फिन जो है उनके कई अलग अलग प्रकार होती हैं, उनमें से एक होते हैं फ्रेश वाटर या फिर रिवर डॉल्फिन्स, जो कि नाम के अनुसार हमको नदियों में मिलती हैं। इनके जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो होते हैं भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान में, जिस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही ये स्पीशी दो हिस्सों में डिवाइड होती है।
पहला आता है गंगा में निवास करने वाली रिवर डॉल्फिन्स यानी कि गैंगेस रिवर डॉल्फिन्स, और दूसरी है इंडस नदी में पाई जाने वाली रिवर डॉल्फिन्स। देखिए जो पहली प्रजाति है गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन्स, वो आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स में मिलेंगी, और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो कि अलग अलग देशों में पाई जाती हैं जैसे कि बांग्लादेश में, भारत में, नेपाल में, वहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रजाति हमको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में। तो इंडस रिवर कहाँ पे जनरली पाकिस्तान में फ्लो होती है, तो मेजरली वो रिवर क्योंकि पाकिस्तान में फ्लो होती है तो ये पर्टिकुलर स्पीशी हमको पाकिस्तान में देखने को मिलती है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि ब्यास और सतलज में ये पर्टिकुलर डॉल्फिन की स्पीशी पाई जाएगी। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि डॉल्फिन हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल के तौर पे डिक्लेयर्ड मैमल है। अब हम लोग चलते हैं हर्बीवोरस मरीन मैमल्स की तरफ, यानी कि ऐसे मरीन मैमल्स जो कि पेड़ पौधों को कंज्यूम करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें दो मैमल्स ऐसे हैं जिनकी जानकारी होना हमको ज़रूरी है। एक है डगोंग, जिसको हम लोग सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है मैंटीस। जनरली ये पर्टिकुलर मरीन मैमल्स आपको स्वैम्प में देखने को मिलेंगे, नदियों में, एस्चुरीज में, जो ऐसे वेटलैंड्स हैं जो मरीन के साथ एसोसिएटेड है वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो हम चलते हैं इसके पहले वाले मरीन मैमल पे, यानी कि डगोंग डुगोन। इस मैमल के ऊपर पहले भी यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप थोड़ा सा ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। देखिए जो बेसिकली ये मैमल है इसको हम लोग सी काऊ के नाम से भी जानते हैं। स्टेटस है इसका वल्नरेबल, क्योंकि हम लोग ऊपर वल्नरेबल के अंदर पड़ रहे हैं, और ये हर्बीवोरस मैमल है तो इसी वजह से ये पेड़ पौधों को खाता है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की जो कि है मैनिटीज। इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ है ये आपको करेबियन सी में, गल्फ ऑफ मेक्सिको में, अमेजॉन बेसिन में और वेस्टर्न अफ्रीका के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, आजकल बहुत थ्रेट्स हो रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रजाति को, जैसे कि कोस्टल एरियाज़ में डेवलपमेंट बढ़ता चला जा रहा है, जिसके तहत जो रिवर जो मरीन एरिया है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वहाँ पे पल्यूशन की मात्रा भी बढ़ रही है, जिससे मरीन में रहने वाले ज़्यादातर प्रजातियाँ अफेक्ट हो रही हैं। फिर उसके बाद रेड टाइड जो कि एल्गी का एक फॉर्म है, जब एल्गल ब्लूम में वो कन्वर्ट हो जाती है, ये हमने अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा था, वो भी इसके लिए थ्रेट का काम कर रहा है। और तीसरा, इसको हंट भी किया जा रहा है। फिर हम लोग देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये एक्सेप्शन है। देखिए एक्सेप्शन हमेशा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बाकी जो नॉर्मल टेंडेंसी है उससे कुछ हट के कुछ अलग चीज़ें एग्जिबिट करता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग लेइंग मैमल्स। हमने वर्टिब्रेट्स के अंदर पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया था धरती पे मौजूद अलग अलग जीवों को, और उसी के तहत जो पांचवा क्लासिफिकेशन था वो था हमारा मैमल्स। मैमल के तहत हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये यंग वंस को जन्म देते हैं, यानी कि ये एग्स नहीं ले करते, ये डायरेक्टली इन्फेंट्स को जन्म देते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैमल्स जो कि यहाँ पे अंडे देते हैं, यानी एग लेइंग मैमल्स। तो एक पर्टिकुलर क्लास है मैमल्स के अंदर जिनको हम मोनोट्रीम नाम से जानते हैं। ये वो मैमल्स हैं जो बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है इनके एक्सेप्शन के तौर पे सामने आती है, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूरे विश्व में सिर्फ इस तरीके के जो मोनोट्रीम्स हैं ये पांच ही मौजूद हैं, जिसमें से एक है डक बिल्ड प्लेटिपस, और फिर है चार स्पीशी ऑफ स्पाइनी एंटीटर्स जिसको हम लोग एकिडना भी कहते हैं। ये सभी पांच की पांच स्पीशीज या तो ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूगिनी में हमको देखने को मिलती हैं। अब ये जो स्पाइनी एंट ईटर्स हैं या फिर एकिडनाज हैं, देखिए इसमें आप नाम को तोड़ेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। स्पाइनी मतलब जिनके कांटे होते हैं, तो ये देखिए चित्र में पूरे शरीर पे ऐसे कांटे कांटे इस पर्टिकुलर प्रजाति में मौजूद हैं, और ये जनरली चींटियों को अपने फूड के तौर पर कंज्यूम करते हैं। ये कहाँ मिलेंगे, हमने ऊपर देखा ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी में जनरली देखने को मिलते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर मैमल्स हैं एकिडनाज, इनमें होता क्या है, देखिए इस तरीके से फीमेल की बेली पे एक पाउच होता है। ये जो पाउच होता है यहाँ पे ही जो एग है वो कैरी करते हैं ये पर्टिकुलर मैमल्स, और ये तब तक कैरी करते हैं जब तक एग ये टूट नहीं जाता और उसमें से छोटा बच्चा बाहर नहीं आ जाता। तो जो ये यंग वंस है ये यहीं पे डेवलप होते हैं थोड़े थोड़े, और इसी एरिया में मैमरी ग्लैंड्स भी होते हैं जिसके तहत ये यंग वंस जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं।
फिर हम देखते हैं अगला ऑर्गेनिज्म या फिर अगला मैमल जो कि है प्लैटिपस। ये भी एक एक्सेप्शन है, ये एग्लेइंग मैमल है जो कि सेमी एक्वेटिक है, यानी कि कुछ हद तक ये पानी में रह सकता है। अब ये कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ये, और ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटी सी जगह है तस्मानिया नाम की, ये पर्टिकुलर मैमल आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। प्लैटिपस में क्या होता है, जो फीमेल होती है तो वो नदी के किनारे एक बिल जैसा बनाती है, तो उस बिल के आसपास ड्राई वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा जो बेसिकली उसके घर को यानी कि उसके बिल को प्रोटेक्ट करता है। अब ये पर्टिकुलर फीमेल इस बिल में जाती है और इस बिल में जाके वो अंडे देती है। और अगर हम लोग मेल प्लैटिपस की बात करें तो मेल पेट प्लैटिपस जो है जहरीले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनका जहर जो है वो छोटे डॉग्स को ख़त्म कर सकता है, और अगर ये ह्यूमंस को उस पर्टिकुलर जहर से अफेक्ट करें तो ह्यूमंस में भी ये काफ़ी भयंकर दर्द पैदा कर सकता है। तो ये बेसिकली आपने दो अलग अलग कैटेगरीज पढ़ी मैमल्स की जो कि एग लेइंग मैमल्स हैं। जनरली बाकी सारे मैमल्स अपने यंग वंस को यानी अपने शिशुओं को जन्म देते हैं, पर ये दो मैमल्स हैं जो कि एग ले करते हैं। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं मार्सुपियल्स। मार्सुपियल बेसिकली ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके अंदर एक पाउच होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कैंगरू या वॉलबी। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे इसके पेट के पास एक पाउच होता है जहाँ पे इसका यंग वन रहते हैं। इनका जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफ़ी कम होता है, और जल्दी ही ये छोटे शिशुओं को जन्म देते थे हैं। अब कुछ मार्सुपियल जो हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो गए हैं, जैसे कि क्वागा या फिर मार्सुपियल वुल्फ्स जो आज हमको देखने को नहीं मिलती। ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं मैमल्स हैं, इनमें एक प्लेसेंटा होती है जो हालांकि काफ़ी शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन कुछ हद तक ये नरिशमेंट में मदद करती है फीटस के। ये जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं ये बेसिकली मदर की ब्लड सप्लाई से बच्चे को नरिश करते हैं, तो इसके तहत अगर कई जगह ज़्यादा जेस्टेशन टाइम लग रहा हो तो वहाँ पे नरिशमेंट मदर के ब्लड से ऑक्यूपाई करते हैं ये लोग। अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ मार्सुपियल्स क्या है। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। देखिए इसमें फैलेंगस आते हैं, ऑपुसम आते हैं, कोला आते हैं, तस्मानियन डेविल्स आते हैं, कैंगरू आते हैं, मार्सुपियल मोल्स आते हैं जो कि चार पाँव पे चलते हैं, वॉलबी आते हैं, बैंडिकूट आते हैं, वोम्बाट्स आते हैं, तस्मानियन वुल्फ या फिर टाइगर्स आते हैं, और एंड में डस्यूरे भी इसमें ही क्लासीफाई होते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। फिर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रजाति के बारे में देखते हैं जो कि है फ्लाइंग स्क्विरल। ये हमने पहले भी देखा था, लेकिन फ्लाइंग स्क्विरल को आपको बताना ये चाहता हूँ कि हम लोग मैमल्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। फ्लाइंग स्क्विरल एक्चुअली फ्लाई नहीं करती, लेकिन ये बहुत लंबी लंबी जंप मारती हैं एक पेड़ से दूसरी पेड़ तक, तो हमको ऐसा लगता है कि ये उड़ रही हैं, और इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ये चीज़ करने के लिए इनको अलाउ करते हैं, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं फ्लाइंग स्क्विरल। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है फायर कोरल का। हमने कोरल के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे हम लोग एक नई प्रजाति के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं फायर कोरल। फायर कोरल जो हैं वो जेलीफिश से काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं, इनफैक्ट कोरल्स के मुकाबले जेलीफिश से ज़्यादा रिलेटेड हैं। कहाँ देखने को मिलती हैं, हैबिटेट क्या है, तो अगर उसमें देखें तो मर्की इनश्योर वाटर्स में आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि धुंधले पानी में। तो इस वजह से ये एक टॉलरेंस दिखाती हैं सिल्टेशन के प्रति। अगर हम नॉर्मल कोरल्स की बात करें तो नॉर्मल कोरल जो है ज़्यादा सिल्टेशन वाले पानी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन फायर कोरल जनरली सिल्टेशन वाले पानी में ही पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें तो क्लियर ऑफशोर साइट्स पे भी हमको ये देखने को मिलती हैं, यानी कि ये ट्रांसपेरेंसी पे पानी के डिपेंड नहीं करती, मर्की वाटर में आपको मिलेंगी। उसके अलावा ये सिल्टेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो इन दो वजह से ये कोरल से काफ़ी अलग हैं और जेलीफिश के काफ़ी इक्वलेंट हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इंडोनेशिया में मिलती हैं, गल्फ ऑफ चिरिक्वी में देखने को मिलेंगी, पनामा पैसिफिक प्रोविंस में देखने को मिलेगी। पहले ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पनामा, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे इलाकों में भी देखने को मिलती थी, लेकिन अब संभवतः ये वहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब इनको थ्रेट्स क्या क्या हैं देखिए, क्योंकि ये इतनी सुंदर होती हैं देखने में, तो इनको जनरली डेकोरेशन के लिए या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के तौर पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के चलते टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बढ़ते टेम्परेचर को ये कम टॉलरेट कर पाती हैं।
और ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार बढ़ता क्लाइमेट चेंज, लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पर्टिकुलर प्रजाति बहुत सारे मरीन एरिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है और साथ में ब्लीचिंग इफ़ेक्ट्स को भी एग्जिबिट कर रही है। अब हम लोग पूरे चैप्टर में एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखिए अगर एक्सटिंक्शन की बात करें तो एक्सटिंक्शन अलग-अलग प्रोसेसेस से आ सकता है। एक पर्टिकुलर प्रजाति हो सकता है किसी नेचुरल प्रोसेस से विलुप्त हो जाए या फिर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से विलुप्त हो जाए। तो एक्सटिंक्शन के प्रोसेस को हम लोग दो सब हेड्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस और दूसरा है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कॉज एंड इफेक्ट है कहीं ना कहीं। कॉज एंड इफेक्ट कैसे, देखिए ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और ग्लेशियर मेल्ट की वजह से बहुत सारी प्रजाति जो वहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पे विलुप्त होती जा रही है। तो हम लोगों ने ह्यूमंस ने यहाँ पे इंटरवेंशन की है जिसके तहत कुछ ऐसे फिनोमिनाज हुए जो नहीं होने चाहिए थे और उसी वजह से कोई एक प्रजाति विलुप्त हो गई। तो यानी कि ये है डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस जिसमें कॉज एंड इफेक्ट है। फिर है स्टोकेस्टिक प्रोसेस जिसमें हम लोग कुछ चूज नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। जैसे कि कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसके तहत कोई प्रजाति विलुप्त हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बड़ा सा मीटियोर आके अर्थ पे स्ट्राइक कर गया जिसके तहत मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया की ख़त्म हो गई, या फिर कुछ ऐसे वेदर चेंजेस हुए जो किसी एक प्रजाति को फेवरेबल नहीं थे और उसके तहत वो प्रजाति विलुप्त हो गई, या फिर कुछ ऐसी बीमारी आ गई जिसके चलते कोई एक प्रजाति विलुप्त हो गई। तो ऐसे प्रोसेस जो रैंडमली अकर होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस के अंदर। और ये दो सब हेडिंग्स हैं जिसके तहत हम लोग मानते हैं एक्सटिंक्शन कोई भी कॉज होता है। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सबसे पहला तो टॉपिक है माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ इंडिया। माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि कुछ ऐसी बर्ड्स जो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में कहीं और से माइग्रेट करके भारत में आती हैं। तो इसके तहत हम लोग दो अलग अलग बर्ड्स में क्लासिफाई करते हैं इनको। एक है विंटर बर्ड्स और एक है समर बर्ड्स, यानी कि जो विंटर के मौसम में यहाँ पे आती हैं और जो समर के मौसम में यहाँ पे आती हैं। इनके तहत आपको इसमें हमको कुछ नाम याद करने ज़रूरी हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स, जैसे कि फ्लैमिंगोज, जैसे कि रोजी पेलिकन, वुड सैंड पाइपर्स, स्पॉटेड सैंड पाइपर्स, तो ये तो आप ज़रूर याद करें। इसके अलावा समर बर्ड्स में ब्लैक ग्राउंड हेरॉन, कोम डक, दो प्रजातियां यहाँ पे बी ईटर्स की हैं, और कुकूज़, तो ये बेसिकली समर बर्ड्स हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए डिजीज़ के बारे में। देखिए सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी के बारे में बात करते हैं। माइकोबैक्टीरियम वो ऑर्गेनिज्म है जो टीबी को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पर्टिकुलर जो बीमारी है ये आपको डियर में, कैट में, प्राइमेट्स में और एलिफेंट में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एंथ्रेक्स, ये भी बैक्टीरिया ही है जो कि इसको कॉज करता है। उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेक्सिस। ये गौर में, चीतल में, वाइल्ड पिक में और बार्किंग डेयर में देखने को मिलेगी। रेबीज जो है ये वायरस के थ्रू कॉज होती है और टाइगर, लायन, बेयर, मोंगूज और स्क्विरल में देखने को मिलती है। इसके अलावा फुट एंड माउथ डिजीज़, ये भी एक वायरस है, FMD यानी कि फुट एंड माउथ वायरस, जो इस पर्टिकुलर बीमारी को कॉज करता है और ये हमको गौर में, नीलगाय में, चीतल में, सांभर में, याक में और मिथुन में। मिथुन क्या है, बेसिकली कोई एक प्रजाति है जिसको डोमेस्टिकेट करने के बाद उसको मिथुन कहा जाता है। आपको याद करना है वो कौन सी प्रजाति है और यहाँ पे आपको बताना है। उसके अलावा रिंडर पेस्ट नामक एक और बीमारी है जो एक वायरस कॉज करता है। ये आपको डियर में, वाइल्ड पिग में और वाइल्ड बफलो में देखने को मिलेगी। फिर है ट्राइपैनोसोमिया जो कि फिर से एक वायरस कॉज करता है और ये आपको टाइगर में, एलिफेंट में, सांभर में और मकेक में देखने को मिलेगी। बेसिकली आप ये पूरे नाम याद ना करें, आप बस ये याद करें कि ये पर्टिकुलर बीमारी बैक्टीरिया से होती है या फिर वायरस से होती है, और सिर्फ इसी आधार पे आपका सवाल वहाँ पे हल हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर फैक्ट को याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बीमारी बैक्टीरिया कॉज करता है या फिर वायरस कॉज करता है। उसके अलावा एक और बीमारी है टैक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई कॉज करता है और ये हमको रीसस मकेक या फिर सिवेट कैट में देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर का डिस्कशन समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इन डिस्कशन से आपको फ़ायदा हो रहा होगा और आपकी एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स को मजबूती मिल रही होगी। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।